बेसिकली मुझे किसी ने कहा था कि भाई ऐसा मत कर, हर बंदे को पता चल जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि भाई रिजल्ट वो रब की ज़ात देने वाली है। तो आज डेट साज होना है और यहाँ पर इसकी आप रिसेंट 7 डेज में नहीं देख सकते, और ये जो अभी क्लियर होनी है और ये ओवरऑल इनकम जो कि आज इसने विड्रा करवाई, और ये अली ब्रोच का अकाउंट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप मजीद चेक भी कर सकते हैं। ओपीपीएस काम तो है, लेकिन काम है क्या? तो चलो स्क्रीन पर फाइवर में, तो यहाँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के सेक्शन में मैं ट्रांसलेशन में आया, और यहाँ पर तुम इनके रिव्यू से इनके काम का अंदाजा कर सकते हो कि कितना काम है। तो चलो अब साथ ही ये भी चेक कर लें कि क्या पाकिस्तानी भी ये काम कर रहे हैं और क्या उन्हें भी ये काम मिल रहा है। तो मैंने फिल्टर्स में से सिर्फ पाकिस्तान के सेलर्स को सिलेक्ट किया और मुझे एक नहीं बल्कि कई सक्सेसफुल प्रोफाइल्स मिली जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, तो काम मुश्किल नहीं है। तो चलो अब समझते हैं कि असल में ये काम वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तुम्हें फाइवर पर एक प्रोफाइल बनानी होगी और उसे डिजाइन ऐसे करना है कि तुम एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर लगो, जो कि तुम यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देख कर बना सकते हो। अगर अभी भी मेरी बात की कुछ बिगनर्स को समझ नहीं लगी, तो फॉर एग्जाम्पल एक कलोनी एरिया जो कि फाइवर है, और एक तुम्हारी शॉप जो कि फाइबर पर तुम्हारी प्रोफाइल है, और लास्ट पर तुम्हारी शॉप पर लगा बैनर जो कि कस्टमर्स को बताएगा कि तुम्हारी दुकान किस चीज की है, मतलब फाइबर पर तुम्हारी गिग, और उसके बाद वेट लाइक अ लाइन। तो सबसे पहले कोई तुम्हारी प्रोफाइल को विजिट करेगा, अगर तो उसे प्रोफाइल देखकर ऐसा लगे कि तुम वाकई उसके काम के काबिल हो, तो वो तुम्हारी प्रोफाइल पर ऑर्डर लगाएगा जो कि तुम्हें अपनी प्रोफाइल पर शो होगा। उसकी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह की हो सकती है जो कि तुम्हें ट्रांसलेट करनी है। अब जिस लैंग्वेज को भी तुम्हारा क्लाइंट चूज करेगा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसे कॉपी करना है और उसे पेस्ट करना है ग्रामरली पर। अगर किसी फ्रेज की या फिर कोई स्पेल इनकरेक्ट है तो उसे ठीक करना, और फिर यहाँ से कॉपी करना और गूगल पर कर सर्च करना गूगल ट्रांसलेटर, और यहाँ तुम्हें अपनी करेक्टेड स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। और ये याद रहे कि यहाँ ऊपर तुम्हारी डिटेक्टेड लैंग्वेज सिलेक्ट होनी चाहिए, जो कि ये खुद ब खुद ही लैंग्वेज को डिटेक्ट करके उसे उस लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेगा। और सेकंड सेक्शन में तुम्हें वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो कि तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें बताई होगी, फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश, और बस यहाँ से कॉपी करना और ऑर्डर डिलीवर कर देना। तो अब रही मेन बात कि आखिर वो तुम्हें इतने छोटे से काम के लिए पैसे क्यों देगा। तो सुनो, वो तुम्हारी तरह वेले लोग नहीं है, मतलब उनके पास करने को और भी बहुत से काम है, और ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ही कुछ क्लाइंट ऐसे भी होंगे जो कि तुम्हें ऐसी स्क्रिप्ट देंगे जिनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी और तुम्हें उन्हें करेक्ट करना होगा। तो वैसे तो दूसरे लोग उसे मैनुअली सेट करते हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास एक टूल है जिसकी मदद से अब तुम्हारे लिए वो काम और भी आसान हो चुका है। ओके, दिस वाज टुडेज वीडियो एंड आई होप यू विल ट्राई एटलीस्ट वंस। अपने कंफर्ट जोन से निकलो और अपने पर फैलाओ और दुनिया को बताओ कि आकर तुम हो क्या। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।